नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पोलो रोड, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है, और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हो कैसे तरह तरह के कार्टून्स लगाकर, लाइट लगाकर तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई हैं। लोग भी अभी से आने शुरू हो गए हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, और भव्य तैयारी है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर मंच तैयार कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, जहां पर घूम घूम कर उन्होंने हर एक चीज़ का मुआयना किया है। तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तेजस्वी यादव कैसे घूम रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है वो भी वो देख रहे हैं। खुद किचन में गए, तस्वीर देखिए, किचन में खुद गए हैं और तमाम वो चीज़ें देख रहे हैं। जो रसगुल्ला बनाया गया है उसका आकार क्या है, खुद रसगुल्ला खाकर भी देखा है। देखिए, आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर से पहले तेजस्वी यादव खुद घूम घूम कर देख रहे हैं। किचन में बैठने की जो व्यवस्था की गई है लोगों की, उन तमाम जगहों पर घूम घूम कर देख रहे हैं और खुद रसगुल्ला भी खाया है। आज जब वो पटना पहुंचे हैं, उसके बाद वो सीधा अपने एक पोलो रोड स्थित आवास पहुंचे हैं, जहां से कल से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आरजेडी के तमाम नेता मौजूद होंगे, सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, सभी प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया गया है, ताकि संगठन को कैसे और धारदार किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव खुद जुड़ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ही 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हो, तेजस्वी यादव ने अकेले लड़ा और उनके ही नेतृत्व में आरजेडी आज 75 सीटों के साथ बिहार में लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई है। तेजस्वी यादव खुद रसगुल्ला खाकर देख रहे हैं, क्या जो वास्तुस्थिति है वो खुद चेक कर रहे हैं। किचन में पहुंचे थे, इसके बाद हमने जब श्याम रजक आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, ज़रा सुनिए। देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर ही नहीं, प्रशिक्षण सह सम्मान समारोह शिविर है, और इसमें लोगों को कई विषय हैं। हमारे यहाँ 10 विषय हैं, 10 विषय पर अलग अलग पार्टी के ही जो नेता हैं वो प्रशिक्षक हैं, और वो लोगों को प्रशिक्षण देंगे बूथ के संदर्भ में, पंचायत के संदर्भ में। अभी जो आयाम, जो सवाल हैं ज्वलंत, उन सवालों पर भी अलग अलग लोगों को बोलना है, और इन सवालों पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एक दिन बाद। पहला दिन तो हर प्रखंड के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अपनी अपनी बात को रखेंगे इन सवालों पर, वहाँ के संगठन के संबंध में, बूथ कमेटी के संबंध में, पंचायत कमेटी के संबंध में, प्रखंड समिति के संबंध में, जिला, क्या उनको दिक्कत आ रही है, किस तरह से हम उसको फेस कर सकते हैं विरोधी पार्टी को, तो ये सारे सवालों पर। जेडीयू भी अपने संगठन की बैठक कर रहा है 2024-25 की तैयारियां। अभी हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम तो नंबर 1 पार्टी है जनता की ओर से, जनता ने हमको नंबर 1 बनाया, ये जालसाजी में बने हैं। तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जितना करते हैं उनका, हमारा संगठन और मजबूत हो, धारदार हो, और ये जो लोग जो हैं गोबल्स के वंशज, इनको कैसे झूठ को रोका जाए। हमारे बूथ के लड़के, हमारे प्रखंड के लोग, जो हमारे संगठन के लोग, उन लोगों को, उनको लैस किया जाएगा सारे सवालों से, जो सामाजिक न्याय के सवाल, सामुदायिक सद्भाव के सवाल, लालू जी के विचारों के सवाल, ये सारे चीज़ों पर हम चिंतन कर कर करके लोगों को उत्साहित करने का काम और लोगों को जोड़ने का काम। फिर एक सेशन भी है कि जो लोगों का प्रश्नोत्तर होगा, उस प्रश्न के जवाब भी हम लोग देंगे, जो जो सवाल उनके मन में उठ रहा है, तो इस तरह से है। फिर तेजस्वी जी उद्घाटन भी करेंगे, सेकेंड डे उनका समापन भाषण होगा। तो आपने सुना है आरजेडी के नेता श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव की तमाम तस्वीरें अभी भी हम आपको अंदर के दिखा रहे होंगे, कैसे अंदर में जो व्यवस्था की गई है बैठने की, वातानुकूलित जो व्यवस्था है वो रखी गई है, एयर कंडीशन लगाया गया है, और तमाम उन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से जो आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर होगा, देखना ये होगा कि उसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दे आरजेडी जो है वो लेकर आती है अपने लोगों के सामने, और जब लोग सवाल पूछेंगे, अपनी कमियों को बताएंगे, उन तमाम चीज़ों को जब तेजस्वी यादव जानेंगे, तो क्या कुछ बदलाव आरजेडी के अंदर होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।